वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफिशियम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको त्रुटि विश्लेषण पर आधारित 1 से 7 तक न्यूमेरिकल हल करवाए थे। अब हम लोग इस वीडियो में उसी के आगे न्यूमेरिकल को प्रोसीड करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले मेरी लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जहाँ पर मैंने फार्मूला का डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, ये देखिए। कह रहा है एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, ठीक, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है, हाइट, ठीक है ना। बॉक्स के आयतन के मापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक। अब पिछले वीडियो में हम आपको इसका फार्मूला कैसे प्राप्त होता है ये भी बताए थे, थोड़ा सा अलग से डिटेल में हम जोड़ दे रहे हैं, ज़रा देखिएगा क्या है ये। लॉग वी इक्वल टू, डायरेक्ट बताइए, पिछले वीडियो के अनुसार लॉग दोनों तरफ लेने पर इंटू में प्लस हो जाता है, जैसे लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन आर वाला फार्मूला, तो इसी प्रकार से लॉग एल प्लस इंटू में प्लस हो जाता है प्लस लॉग वी इंटू में फिर से प्लस होगा प्लस लॉग स्मॉल एच। इसके बाद में आंशिक अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है, ये डेल्टा वी अपॉन वी मिल जाता है। इसके बाद में परसेंटेज इरर का फार्मूला मिलता है 100 का गुणा करने के बाद, ठीक है ना। तो परसेंटेज इरर डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, लंबाई के लिए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ब्रेथ के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, इसके बाद हाइट के लिए क्या होगा डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। एक चीज़ ध्यान दें, लेंथ दिया हुआ है 24.0। हम आपको इसके पहले बताए थे कि मेजरमेंट जो भी हम लेते हैं उसका लिस्ट काउंट हम डेल्टा एल हो चाहे डेल्टा बी हो चाहे डेल्टा एच हो वो लेते हैं, अलग से दिया नहीं होता है। तो इसके डेसिमल वैल्यू, इसके लास्ट वैल्यू जो होता है ना, वहाँ पर 1 रख देते हैं, उसके पहले वाले अंक के जगह पर 0 लिख देते हैं। ये हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, यही चीज़ हम ये जितने भी वैल्यू अलग अलग दिए गए हैं उन सब के लिए वैल्यू लिख करके अल्पतमांक भी रख दिए और उनके ये वैल्यू को हल कर देते हैं, तो अंत में आपका आंसर सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम, ठीक है ना, तथा आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक पाया गया। घनत्व की माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत संभावित त्रुटि होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो ये चीज़ देखिए कि घनत्व इक्वल टू फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। इसीलिए ये पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हमें जानना है डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू क्या होगा, मास ऊपर है तो डेल्टा एम अपॉन एन, क्योंकि लॉग लेने पर लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। तो इसको ध्यान अलग से आपको रखना ही पड़ेगा कि जो भी बटे में वैल्यू मिले वो निगेटिव हो जाता है। आगे भी हम डायरेक्ट यही काम करने वाले हैं, ये बार बार इसको बताएंगे तो समय बिना मतलब के बर्बाद होता रहेगा, क्योंकि कई बार हम एक ही चीज़ को रिपीट कर चुके हैं, तो ज़्यादा इतना भी बताना उचित नहीं है क्योंकि आपको याद भी तो रखना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो इसके आगे ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू मास के लिए क्या हो गया डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस रखना चाहिए था लेकिन प्लस रखे हैं, इंटू यहाँ पर प्लस के आगे माइनस क्या होना चाहिए था, आगे हमें क्या लिखना चाहिए डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, लेकिन माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं डेल्टा डी अपॉन डी ये मैक्स कर दिया, ठीक है ना। मैक्स के वजह से जो निगेटिव वैल्यू होता है यहाँ पर वह पॉजिटिव हो जाता है। बस ये देखिए इस 4 के जगह पर 1 कर लिया और इसके पिछले वैल्यू को 0 रख देते हैं,
इस प्रकार से आपका ये अलग अलग वैल्यू रखते चले जा रहे हैं और अंत में आंसर आ गया, ठीक है ना। ये कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जल का प्रश्नाव केस नली के द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। केस नली का व्यास मीन्स डायमीटर कैपिटल डी इक्वल टू 0.125 सेंटीमीटर तथा केस नली में जल का उन्नयन मतलब केस नली में जल कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है वह स्मॉल एच इक्वल टू 1.43 सेंटीमीटर। सूत्र टी इक्वल टू आर एच जी बाई टू है ना, ये आर एच जी बाई टू ये फार्मूला ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। के प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव कैपिटल टी के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये चूंकि हमें दिया गया सूत्र सरफेस टेंशन के लिए है तो इसी को आगे बढ़ाना है, है ना। तो यहाँ पर 1/2 क्या है यह अलग से ये चीज़ ध्यान रखिए कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो 1/2 ये कांस्टेंट को यहाँ पर अलग कर दिया। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसका मान 9.8 होता है वो भी कांस्टेंट होता है। ये रेडियस आर इक्वल टू क्या होता है d/2। तो फार्मूला में जो दिया गया फार्मूला होता है उसमें आर के जगह पर कैपिटल d/2 रखते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है तो d/2 एच इंटू जी बाई 2 × 2 = 4 g/4 को अगर हम कांस्टेंट k मान लें तो हमें फार्मूला क्या मिल जाएगा ये चीज़ देखिए k d × h। तो k यहाँ पर अब क्या हो गया समानुपाती स्थिरांक, ठीक है ना। तो बस हमें इन दोनों को लेकर के चलना है, k कांस्टेंट है इसके विषय में नहीं विचार करना है। तो अब log लोगे तो log t इक्वल टू log d इंटू में प्लस हो जाता है log h, ठीक है ना। तो प्लस कहाँ से आया इसको अलग से ध्यान रखना है। इसके बाद में ये आंशिक अवकलन करने पर और प्रतिशत त्रुटि की वैल्यू रखने पर ये वैल्यू आसानी से मिल जाता है। अब कैपिटल डी और कैपिटल एच का मान ये दोनों रख दिया और इस 5 के जगह पर 1 रख दिया, पिछले इन सभी अंकों के जगह पर 0 रख दिया, यहाँ पर भी 3 के जगह पर 1 रख दिया, पिछले अंकों के जगह पर 0 रख दिया। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर लिस्ट काउंट वैल्यू के रूप में हम जानते हैं। इनको सॉल्व किया आसानी से, आप ध्यान से देखिएगा तो मिल जाएगा। तो ये अंत में जोड़ने पर क्या मिल गया 1.5%, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v√T/m, ये वैल्यू अलग से दिया गया है, ठीक। अब आगे देखते हैं जहाँ कैपिटल टी इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल जी। तो कैपिटल एम यहाँ पर मास हो गया, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, यह भी एक कांस्टेंट ही तो है पिछले सवाल के जैसा। प्रयोग द्वारा कैपिटल एम इक्वल टू 2.0 kg, ये चीज़ अलग से लिखा। देखिए हमने क्या लिख दिया 2.0 ये kg हो गया, ठीक है ना। और ये एकांक डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल एम इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 ग्राम प्रति मीटर, ठीक है ना। ये स्मॉल वी के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करना है। तो क्यों नहीं दिए गए मान कैपिटल टी इक्वल टू एम जी को हम रखते हैं। तो कैपिटल टी इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल जी हो गया, ठीक है ना। अब वर्ग कर लिए तो अंडर रूट हट गया, ठीक है ना। तो जी यहाँ पर क्या है एक समानुपाती स्थिरांक के रूप में मिल जाएगा कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं। तो इसको कांस्टेंट के लिख दिया जो कि समानुपाती स्थिरांक के रूप में होगा, इसका परसेंटेज एरर हम ज्ञात नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब ये वी स्क्वायर का लॉग लेते हैं तो 2 log v हो जाएगा और आंशिक अवकलन करेंगे तो वी का डेल्टा वी अपन वी होगा, कैपिटल एम का डेल्टा कैपिटल एम अपन एम हो जाएगा। नीचे है तो माइनस होता है, अगर हम अधिकतम की बात करें मैक्स की बात करें तो यहाँ पर हम माइनस का प्लस ले लेते हैं। और स्मॉल m के लिए भिन्नात्मक ये मान क्या होगा डेल्टा स्मॉल m अपॉन m, ठीक है ना। ये अब इंटू 100 का गुणा कर लेते हैं तो हमें चाल के मान में प्रतिशत त्रुटि मिल गया। ये अधिकतम मान के लिए ये डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस। अच्छा एक और बात अलग से ध्यान दिए, ये जो 2 इंटू में है वो हमें केवल चाल के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, तो इसी 2 को नीचे लेके चले आए, ठीक है ना। और इस वैल्यू को क्या कर लिया
कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है ना, ये कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया। अब कितना आसान हो गया, फार्मूला बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को और इस वैल्यू को रख दिया, और इसी दोनों वैल्यू को देखते हुए लिस्ट काउंट की वैल्यू को रख दिया और हल कर दिया, आपका अंतिम आंसर आता है 5.8%। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12, एक प्रयोग में स्मॉल a इक्वल टू ये 2.154, b इक्वल टू 2.0 तथा c इक्वल टू 0.368, ठीक है ना, मान प्राप्त हुए हैं, यह प्रयोग के द्वारा मान प्राप्त हुआ है। प्रयोग में सूत्र दिया हुआ है कैपिटल z इक्वल टू ए क्यू बी इंटू सी के घात -2 प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। तो z के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए, यह आपका पूरी तरह से सवाल हो गया। अब देखिए पिछले सवाल में हम नहीं किए थे, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे सीधे हमें आंसर तक पहुंचना होता है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार लॉक करके दोबारा दिखा देते हैं इसमें हम करते क्या हैं। यही सवाल, यही स्टेप बार बार अन्य सवालों में भी हम करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं वैल्यू। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लॉग कैपिटल जेड इक्वल टू क्या मिला, ये लॉग यानी कि 3 log a इंटू में प्लस हो गया, लॉग बी माइनस ये 2 log c, ये भिन्नात्मक मान इसका क्या हो गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या हुआ, 3 log a को डेल्टा a अपॉन a लिख दिया, log b को डेल्टा b अपॉन b लिख दिया, log c को डेल्टा c अपॉन c लिख दिया। अब हम यहाँ पर निगेटिव को, ये वैल्यू निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देते हैं, मैक्स कर देते हैं अधिकतम मान के लिए। अब इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज इरर भी मिल गया, और कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू रखकर उसी के ऊपर जैसे 4 है यहाँ पर, इस 4 के जगह पर 1 कर लिया, 5 के जगह पर 0, 1 के जगह पर 0 और पॉइंट के जगह पर पॉइंट और 2 के जगह पर 0, यही काम इन तीनों में हमने अटेंड कर लिए हैं और सीधे सीधे प्रश्न को हल कर लिए। ये देखिए आपका आंसर आ गया ये क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, दो छड़ें जिनकी लंबाइयों की मापें 3.5 प्लस माइनस 1 मीटर, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू, तथा 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर है, ये वाला वैल्यू है, ठीक है ना, परस्पर जोड़ी गई हैं। छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ये थोड़ा अलग हटके सवाल आ गया। यहाँ पर हम क्या लिख दिए, जोड़ी गई दो छड़ों की लंबाइयाँ L1 दिया हुआ है अलग से और L2 हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, मीटर में। तो L1 में ये चीज़ अलग से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये L1 ये पहली छड़ हो गई यहाँ से और यहाँ तक, L2 ये दूसरी छड़ हो गई, ये L1 वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक और L2 ये दूसरी लंबाई हो गई, ठीक है ना। इन दोनों छड़ों की लंबाई की माप में हमें टोटल परसेंटेज इरर हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये वैल्यू, ये चीज़ देखिए, L1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.5, तो 3.5 मीटर लिखा हुआ है, इसी को देख करके हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और इसी को देख करके 3.5 को देख करके इसका अल्पतमांक कितना हो गया 0.1 मीटर, तो वही ऊपर लिख दिया 0.1 मीटर। अब जरा इस दूसरे वाले वैल्यू को दूसरे तरफ से देखते हैं, ये 4.1 ये वैल्यू दिया हुआ है या अलग से लिख दिया है, कोई बात नहीं, 4.1 लिख दिया, तो 4.1 मीटर लिख दिया, और यहाँ पर डेल्टा स्मॉल L2 की वैल्यू क्या है 0.2, तो 0.2 इसी वैल्यू को अलग से हमने लिख दिया है, ठीक है ना। यानी कि L1 डेल्टा L1 L2 और डेल्टा L2 का मान हमें पता चल चुका है। तो ज़रा एक बात बताइए, चूँकि जोड़ने में हमें ये टोटल परसेंटेज इरर हमें फाइंड आउट करना है, तो दोनों छड़ों को जोड़ने पर लंबाई L इक्वल टू L1 प्लस L2 कितना मिला, 3.5 प्लस 4.1 इक्वल टू ये वैल्यू हो गया 3.6 मीटर, ये मीटर में है, ठीक है ना। अल्पतमांक भी जरा जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों छड़ों को आपने जोड़ा है, डेल्टा L1 ये वाला वैल्यू और डेल्टा L2 ये वाला वैल्यू, या देख लीजिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना मिला, 0.1 प्लस 0.2 इक्वल टू ये हो गया 0.3। अब ये कितना आसान हो गया, L की वैल्यू मिल गया, डेल्टा L अल्पतमांक की वैल्यू मिल गया, लिस्ट काउंट की वैल्यू मिल गया, तो अतः संयुक्त
लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये इन दोनों वैल्यू को रख दिया, हल कर लिया, यही है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 जरा देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक तार की प्रारंभिक लंबाई 140.3 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर तथा यह सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तार को खींचने पर उसकी लंबाई 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, यह आपका क्वेश्चन हो गया। तो प्रारंभिक लंबाई दी गई है, खींचने के बाद में उसी क्षण की दूसरी लंबाई दी गई है, तो L1 डेल्टा L1, L2 डेल्टा L2 हमें मिल गया। ये L1 है और दूसरा ये हमने अलग से लिख दिया L2, यहाँ से आता है L1, दूसरा यहाँ पर जोड़ने के बाद में यानी कि ये खींचने के बाद में ये पूरी लंबाई हो गई। अब आपको यानी कि L1 यहाँ से यहाँ तक है और L2 क्या है, छड़ को खींचने के बाद पूरी लंबाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2 और L1 का अंतर क्या हुआ, ये वाला ये जो है L1 और L2 का अंतर हम L मान लेते हैं, इसी L का हमें परसेंटेज एरर ज्ञात करना है। तो तार की लंबाई में वृद्धि हो कितना हो गया, L2 माइनस L1, ठीक है ना। देखिए L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1 जो वैल्यू दिखाई दे रहा है सीधे सीधे रख दिया, 2.5 सेंटीमीटर मिला, इसको अलग से हमने ऐड कर दिया है, L के वैल्यू मिल गया। अब लिस्ट काउंट की बात करें तो ये लिस्ट काउंट हमेशा जुड़ता है, ये अलग से जाना गया। तो डेल्टा L1 की वैल्यू 0.3 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया यहाँ दिखाई दे रहा आपको, ठीक है ना। और इसके बाद में ये डेल्टा L2 की वैल्यू 0.2 ये सेंटीमीटर है, वो भी लिख दिया है। इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल लिस्ट काउंट डेल्टा L की वैल्यू हमें मिल गया 0.5 सेंटीमीटर। अब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 इक्वल टू, ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है डेल्टा L अपॉन ये L इंटू 100, ठीक ना, 100, ठीक। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। क्यों, देखिए 25 चौके 100 होता है और 4 पचे 20%। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है, एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखी गई है, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आयतन ये वैल्यू हमें गिवन है, बहुत आसान हो गया, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³, 4/3 π कांस्टेंट हो गया, इसको हम अगर k से माने तो आंसर आयतन का हो गया ये k v = kr³, के समानुपाती स्थिरांक है, वो तो परसेंटेज एरर की गिनती में आएगा नहीं। अब डायरेक्ट हम इसका परसेंटेज एरर देख लेते हैं, तो हम जैसा कि जानते हैं लॉग लेने पर यह 3 आगे आ जाता है, उसी आधार पर इसका परसेंटेज एरर हो गया 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। इसका वैल्यू यहाँ पर से और यहाँ से पर ये लिस्ट काउंट और उसकी वैल्यू त्रिज्या के वैल्यू रख करके हम ज्ञात कर लिए, इसका आंसर आया 5.7%, यह आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः 39.3 ग्राम, 5.12 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर तथा 0.37 सेंटीमीटर नापी गई है। ये तीनों वैल्यू हमने ये दे दिया है, ये ग्राम में है और तीनों ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है ना। ये अब आगे की बात क्या कह रहा है, गुटके के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। यहाँ पर बात ध्यान देने की क्या है, अधिकतम यानी कि मैक्स की बात कर रहा है। तो अब एक बात सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि गुटके का घनत्व का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो अगर लॉग लेते हैं तो यहाँ पर जितने तीनों हैं वो तीनों के तीनों क्या होंगे, निगेटिव में आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में मैक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वही मैक्स में रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रकार से ये m के लिए डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, लेंथ के लिए हो गया डेल्टा l अपॉन l इंटू 100, ब्रेथ के लिए हो गया डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, ठीक है ना, और हाइट के लिए हो गया डेल्टा h अपॉन h इंटू 100। कुछ नहीं किया, सीधे सीधे
वो वैल्यू, एक वैल्यू ये यहाँ से उठा लिया, दूसरी वैल्यू इस जगह से उठा लिया, तीसरी वैल्यू इस जगह से उठा लिया, चौथी वैल्यू यहाँ से उठा लिया, और इन्हीं वैल्यू को देख करके जैसे 7 है वहाँ पर 1 करके, इन दोनों जगह पर 0 रख करके, और इसी प्रकार इन वैल्यू को देख करके ये हम लिस्ट काउंट भी रख लेते हैं और उनको हल कर लिया। ये देखिए अंत में आपका आंसर आया 3.541%। तो हमें अगर दशमलव के 2 अंक तक वैल्यू देखना है तो हम इसको क्या कहेंगे, 3.54%, 1 को हटा देंगे। अब देखिए अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17। एक भौतिक राशि कैपिटल पी 3 मापित राशियों ए बी व सी से निम्न प्रकार संबंधित है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। ए बी सी की मापों में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां हैं। राशि पी के मान में संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ये सवाल हो गया आपका। ये देखिए पी का हमने ये लॉग ले लिया तो क्या मिला, लॉग पी इक्वल टू यहाँ पर 3 लॉग ए प्लस इंटू में प्लस होता है 2 लॉग बी, और नीचे होने के कारण सी के लिए हमने क्या लिख दिया, माइनस लॉग सी। ये भिन्नात्मक मान इसका क्या होगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू ये 3 लॉग ए के लिए डेल्टा ए अपॉन ए, लॉग बी के लिए डेल्टा बी अपॉन बी, लॉग सी के लिए डेल्टा सी अपॉन सी। जैसा कि ऊपर हम बताए थे कि अगर इसी वैल्यू में हम ये मैक्स कर दें तो ये जो निगेटिव होता है वह पॉजिटिव हो जाता है, 100 का इन सब में मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज इरर पी का मिल गया। हम सीधे सीधे ये ए के परसेंटेज इरर ये हम 1% गिवेन है, बी का परसेंटेज इरर 2% गिवेन है, सी का परसेंटेज इरर 3% गिवेन है, 3 × 1 = 3 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, और 3 हो गया, 3×3 = 6, 4 = 10%, यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। एक भौतिक राशि कैपिटल एस ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी अंडर रूट डी में ए बी सी तथा डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 3% तथा 1% है, एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ये आपका फार्मूला हो गया, उसी के अकॉर्डिंग हमने लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद में हमने क्या किया, ये भिन्नात्मक त्रुटि ले लिया, भिन्नात्मक त्रुटि में यहाँ पर मैक्स करने से क्या वैल्यू मिला, जो निगेटिव होता है दोनों जगह पर देख सकते हैं, निगेटिव को हमने पॉजिटिव लिख दिया क्योंकि मैक्स कर लिया। इसके बाद में ये 100 का इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिल गया एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मैक्स वैल्यू, ये इक्वल टू ये 2 × Δ A / A × 100। इसी प्रकार सभी वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है, ए के परसेंटेज इधर 4% गिवेन है, बी के लिए डायरेक्ट 2% गिवेन है, सी के लिए 3% गिवेन है, डी के लिए 1% गिवेन है। तो 4 × 8 ले दिया, 3 × 6 ले दिया, ये 3 ले दिया, 1/2 को 0.5 कर लिया, जोड़ोगे तो 17.5%, यह आपका आंसर आ गया। एक बात और, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने चैप्टर 2 मात्रक मापन विमीय विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण के सभी कॉन्सेप्ट व न्यूमेरिकल का संपूर्ण हल दे दिया है, ठीक है ना। आप उन सभी वीडियोज को फिजिक्स 11th की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी प्रीवियस वीडियोज है ना को लिंक दे दिए हैं, आप वहां पर भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको उन सभी वीडियोज में से किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट हो तो उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।